पास है जो भाजपा शासित है, या सीलिंग रोकने की पावर अध्यादेश के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार के पास है, लेकिन भाजपा वास्तविक तौर पे दिल्ली के व्यापारियों की समस्या, सीलिंग की समस्या दूर नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होंने सिर्फ मनोज तिवारी जी को वहां पे नौटंकी करने के लिए भेज दिया है, एक फिक्स मैच के तौर पे भेज दिया है, दिल्ली के व्यापारियों को बेवकूफ बनाने के लिए भेज दिया है कि हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन हम मनोज तिवारी जी को और पूरी भाजपा को बताना चाहेंगे कि दिल्ली के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि सीलिंग कौन करा रहा है, दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास उनकी समस्या के समाधान की पावर है, अध्यादेश लाने की पावर है, और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता मनोज तिवारी जी को और उनके जो सारी बीजेपी की केंद्र सरकार है दिल्ली में, जो सांसद हैं, इस सीलिंग का क्या परिणाम होगा वो दिखा देंगे।